विवेक बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 14 जनवरी है और आज ट्यूसडे यानी कि मंगलवार का दिन रहेगा। राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2:53 से लेकर के 4:15 तक का। और इसी के साथ बात करेंगे आप लोगों के लिए राशियों की, आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि एस्ट्रो तक से अब आप तक ऐप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तक आपको डाउनलोड करने के लिए गूगल स्टोर पर जाएं और वहां भी आप वीडियोज़ को देख पाएंगे, लाइक कर पाएंगे और शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा फेसबुक पर जो पेज है वो तो आप जानते ही हैं कि फेसबुक पर भी हमारे पेज को अप्लाई कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बात होगी आज आपकी राशियों की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपके लिए ग्रहों की, क्योंकि आजकल की जो स्थिति चल रही है आप जानते ही हैं कि 24 जनवरी तक जब तक शनि जो है अपनी स्व राशि में नहीं आ जाता तब तक ग्रह गोचर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है धनु राशि वाले लोगों के ऊपर। एक तरह से ये समय ऐसा चल रहा है कि उनके लिए जो अप्स एंड डाउन वाली सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5-5 ग्रहों की युति धनु राशि में बनी हुई है और वैसे भी ग्रहण जो हैं 2 ग्रहण अभी लगातार हुए हैं, तो इस वजह से भी ग्रह गोचर की स्थिति ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह आपको सपोर्ट करें तो क्या उपाय किए जा सकते हैं। उपाय हम यूजुअली देखते हैं कि आपके आसपास ग्रहों को मजबूत करने के कई सारे तरीके हम आपको बताते हैं। कई बार स्टोन्स का पहन लेना वो भी एक तरीका होता है, और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी आपके ग्रह मजबूत होते हैं। कहा जाता है कि आपके किचन के अंदर जो मसाले होते हैं उसके इस्तेमाल से भी आपके ग्रह मजबूत होते हैं, और साथ ही में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके इस्तेमाल से भी, उसके सेवन से भी ग्रह मजबूत होते हैं। सर्दियों का टाइम चल रहा है और इस समय पर चाहे आप डोनेशंस दें, चाहे आप भगवान को भोग लगाएं, चाहे आप खुद से सेवन करें, जो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है उसके इस्तेमाल से भी आपके ग्रह जो है वो मजबूत हो सकते हैं। हर दिन के हिसाब से, हर वार के हिसाब से एक एक ड्राई फ्रूट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है और दिन के हिसाब से आपके ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले सोमवार के दिन की, तो सोमवार के दिन काजू आप भगवान विष्णु को भोग ज़रूर लगाएं, भगवान शिव को भोग ज़रूर लगाएं, और उसके बाद आप खुद से ग्रहण करें, घर में सबको आप प्रसाद के रूप में बांटें, तो इससे आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा मजबूत होता है। अब बात करें आप लोगों के लिए ट्यूसडे का दिन यानी कि मंगलवार का दिन जो है, 7 किशमिश का भोग आपको हनुमान जी को लगाना है, उसके बाद खुद से ग्रहण करना है। ऐसा करने से आपका मंगल मजबूत होता है, आपका मार स्ट्रांग होता है। बुधवार की बात करी जाए तो बुधवार के दिन पिस्ता या बादाम का भोग भगवान गणपति को लगाने से आपका बुध यानी कि आपका मर्करी स्ट्रांग होता है, और मर्करी जिस चीज़ का कारक माना जाता है यानी कि आपकी स्पीच का कारक माना जाता है, आपकी बुद्धि का कारक माना जाता है, तो इन सब चीज़ों में भी बढ़ोतरी होती है। बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए इस दिन केसर का भोग भगवान विष्णु को लगाना बहुत शुभ माना जाता है, और उसके बाद केसर का इस्तेमाल आप किसी भी मिष्ठान के रूप में कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जुपिटर यानी कि आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है, और ध्यान रखिए कि जिन लोगों की शादी में विलंब हो रहा है 2020 में, अगर आप चाहते हैं शादी करना तो ये उपाय आपके लिए खास रहेगा, यानी कि आपको भगवान विष्णु को केसर का भोग थर्सडे वाले दिन ज़रूर लगाना चाहिए। फ्राइडे की बात कर ली जाए तो फ्राइडे के दिन मिश्री का भोग लगाना माँ लक्ष्मी को अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपका शुक्र जो है वो बलवान होता है। शनिवार की बात करी जाए तो शनिवार का दिन बहुत खास है, शनिदेव को अगर आप अंजीर का भोग लगाते हैं और उसके बाद खुद से सेवन करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहता है। अगर रविवार की बात करी जाए तो रविवार के दिन आपको भगवान विष्णु को अखरोट का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, और उसके बाद प्रसाद के रूप में सब आपके जो घर में फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें आपको वितरित करना चाहिए। तो चलिए बात हुई वार के हिसाब से किस तरह से ग्रहों को मजबूत किया जा सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए राशियों की और जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। एरीज कार्ड्स निकल रहे हैं, 8 of Pentacles एंड द हर्मिट। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो संगीत कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है। विदेश में पढ़ाई की मनोकामना अगर आपकी है तो आज कोशिशें करेंगे फलीभूत होंगी। घर में ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को मिल सकती है, तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए दिन एक बैलेंस दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत से एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। उपाय की बात करी जाए तो आज के दिन में आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा संध्या काल के समय करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि, 10 of Cups एंड पेज ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए जीवन के जिस क्षेत्र में आप भविष्य की कल्पना कर रहे हैं आज उसके लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो उस क्षेत्र में आपको
जो सफलता है वो मिलती हुई नज़र आ रही है, आपका सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। कामकाज में थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आज। शादी का प्रस्ताव मिल सकता है, उधार देने से बचना है नहीं तो पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी को खुश करने के लिए कहीं बाहर जाना, घूमना फिरना आज अच्छा हो सकता है, आपका रिश्ता बेहतर होगा। उपाय क्या करेंगे, आज काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल वर्जित है, आज कोशिश कीजिए काले रंग का इस्तेमाल कम से कम करें, हो सके तो माँ लक्ष्मी की पूजा करेगा और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करना है स्फटिक की माला से। मिथुन राशि, किंग ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है, आप लोगों के लिए खर्च में आज कटौती होती हुई नजर आ रही है। आज के दिन में अपने एक्सपेंसेस को कम करेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत टेंशन, थोड़े बहुत वाद विवाद उठ सकते हैं। तरक्की को लेकर के कुछ नए अवसर आपको मिलेंगे और खासतौर पर आज अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप लोग मेहनत ज़्यादा करेंगे, तलाशेंगे आज कहीं से कोई ऑफर आपको मिल जाए, इस तरह की चीज़ें जो है वो बनती हुई नज़र आ रही हैं। धैर्य बनाना आपकी सफलता की कुंजी आज साबित होगा, यानी कि आज के दिन में एक पेशेंस रखना ज़रूरी है और साथ ही में आने वाली चीज़ें हैं, अपकमिंग जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसके लिए थोड़ा सा सोचिए समझिए, उसके बाद ये डिसीजन लीजिए। आने वाले समय के लिए एक इल्यूजन मत बनाइए। मिथुन राशि वालों के लिए छोटा सा उपाय है, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान चालीसा या फिर संकट मोचन बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि, सेवन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्स आपके लिए कार्ड निकल रहा है, दिन सामान्य रहता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज के दिन में देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला आप लोग ले सकते हैं, खर्च बढ़ेंगे, आपकी कार्यकुशलता की वजह से आपका मान सम्मान आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज पारिवारिक समस्याएं जो हैं वो आज सुलझती हुई नजर आ रही हैं, तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। उपाय की बात करें तो आज संध्या काल के समय तुलसी में दीपक जलाना अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है, कोई पुराना मामला आज आपके लिए टेंशन को बढ़ा सकता है, खर्च भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ में आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है सिंह राशि वाले लोगों के लिए। जीवन साथी को खुश करने का प्रयास आज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, घर का माहौल अच्छा बना रहेगा। सेहत के प्रति लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बाकी सारे कामों की वजह से हो सकता है सेहत को काफ़ी हद तक आप लोग निग्लेक्ट करेंगे। उपाय क्या करना है, आज सिंह राशि वाले लोग चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं, एक तो आप एनर्जी लॉस से बचेंगे और साथ ही में आपके लिए एक पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ेगी। कन्या राशि, एट ऑफ वॉन्स एंड द जस्टिस कार्ड निकल रहा है, आप लोगों के लिए बिजनेस करने वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, उतार चढ़ाव की स्थिति आज के दिन में बन सकती है। कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करने से पहले ज़रूर सोचिए समझिए, बड़ा फैसला थोड़ा सोच विचार करके ही लें तो अच्छा रहेगा। किसी अनुभवी से सुझाव लेना आज आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सेहत को लेकर के सावधानी बरतेगा, अगर आज आप डोनेशंस देते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान निकलेगा। देखिए डोनेशन जब भी आप देते हैं तो उसे शेयरिंग की, केयरिंग की भावना बढ़ती है। आज के दिन में दान किस चीज़ का करना है, पहली चीज़ तो आप कंबल का दान ज़रूर कीजिए किसी भी नीडी पर्सन को, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है, इस समय पे अगर आप कोई भी ज़रूरतमंद हो उसे, उसकी नीड की चीज़ें अगर आप देते हैं, ज़रूरत की चीज़ें देते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए वो एक ब्लेसिंग्स की तरह काम करते हैं। तो आज के दिन में कंबल का दान, तिल का दान, खाने की सामग्री का दान ज़रूर कीजिए। तुला राशि की बात करते हैं, द डेविल एंड फोर ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है, आप लोगों के लिए पैसा जो है आज घर आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आज धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी पर खर्च में भी बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए अगर देखा जाए तो पढ़ाई की अच्छी तरह योजनाएं आप जरूर बनाएं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है आप अचानक से ही किसी काम के लिए शुरुआत कर लें या बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के किसी एग्ज़ाम में आप बैठने के लिए सोच लें, तो ज़रूरी है आप प्लानिंग ज़रूर बनाएं, उसकी एक अच्छी तरह से योजनाएं ज़रूर बनाएं। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है, प्रमोशन और तरक्की का योग आप लोगों के लिए बन रहा है। तुला राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए छोटा सा उपाय रहेगा, पहली चीज़ तो बजरंग बाण का पाठ आप करेंगे और साथ ही साथ में श्री सूक्त जी का पाठ आज संध्या काल के समय करना आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि, थ्री ऑफ पेंटाकल्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, आज के लिए दिन अच्छा दिखाई दे रहा है, ज़रूरी काम को आज पूरा ज़रूर करेंगे, डिलेज दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूसरों की मदद करने में भी आप लोग आगे बढ़ चढ़कर साथ देंगे उनका। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिहाज से दिन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो उनका पढ़ाई में ध्यान, एक तो फोकस बढ़ेगा, आप अपने लक्ष्य को साध करके उसको तय करके ज़रूर आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता मिलेगी। बाहरी खाना खाने से आज बचना चाहिए, जंक फूड या ऑयली फूड खाने से बचना चाहिए, सेहत ख़राब हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं आज संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी के आगे दीपक ज़रूर जलाएंगे गाय के घी का और साथ ही साथ में श्री सूक्त जी का पाठ या फिर गायत्री मंत्र का जाप 108 बार ज़रूर करेंगे।
धनु राशि 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए कोई बड़ा काम आज पूरा हो सकता है। आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए बेहतर दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र के अगर विषय में देखा जाए तो उसकी वजह से आज जो छोटी मोटी सिचुएशंस थी जो अनबैलेंस हो रही थी वो सुलझती हुई नज़र आ रही है। घरेलू ज़िंदगी में कुछ नए मौके आपके सामने आ सकते हैं, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है आज, क्योंकि जो लोग डायबिटिक हैं या जो लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा अपनी दवाइयों को समय पर लेना ज़रूरी है। आज जीवन साथी को खुश करने के लिए आज कहीं बाहर जाने की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। धनु राशि वाले लोगों के लिए छोटा सा उपाय रहेगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा या फिर आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार आपको जाप करना है। मकर राशि एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में कोई नई योजना बना करके आप तैयार कर रहे हैं जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगी। सेहत जो है आज अच्छी रहने वाली है, जीवन साथी का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा और ख़ास तौर पे आज के दिन में आप लोगों की प्लानिंग्स जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। आर्थिक योग जो हैं वो भी आपके लिए बेहतर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मकर राशि वाले लोग अपने टारगेट्स को सेट करके ही आगे बढ़ें, बिना लक्ष्य के आज आगे बढ़ना अच्छा नहीं रहेगा। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए आज के दिन में नेवी ब्लू या फिर ब्लू के शेड्स का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। आपकी एनिमीज़ आपके जो राइवल्स हैं उन पर विजय प्राप्ति होगी। कुंभ राशि द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स का निकल रहा है, कोई खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को। बेरोजगार लोगों को आज नौकरी मिलने का योग नज़र आ रहा है। अगर रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो आज पार्टनर्स को आपको वक्त देना चाहिए। आपके रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट दिखाई दे रही है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सेहत का ध्यान रखिए, खासतौर पर ट्रैवलिंग के दौरान। उपाय ये करेंगे, आज हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि सिक्स ऑफ पेंटाकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। दिन की शुरुआत आप लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, काफ़ी हद तक ऊर्जावान महसूस करेंगे। माता पिता का साथ आपके लिए अच्छा रहेगा, उनकी खासतौर पर उनकी ब्लेसिंग्स आपके कई सारे कामों में सफलता दिलवा सकती है। अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप्स में आपकी छवि सुधरती हुई नज़र आ रही है। आज लोग आपकी तारीफ करेंगे। अगर बात करें स्टूडेंट्स की तो उनका पढ़ाई से थोड़ा सा मन भटकाव हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगी। नई योजनाओं पर मेहनत करने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उपाय की बात करी जाए खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए कि उनका डाइवर्जन नहीं हो, अगर वो कंसंट्रेशन करके चलें तो उनके लिए आज का दिन का उपाय ये रहेगा, सुबह उठकर के माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करें या फिर ओम मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें या फिर त्राटक करने से भी आज के दिन में आपका फोकस बढ़ेगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप।